वेलकम डियर स्टूडेंट्स मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं जे एन वी मैथ्स डॉट कॉम के साथ आज हम बात करने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के इस चैप्टर की जिसका नाम है रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले अहम चीज़ होती है क्योंकि प्रश्न उत्तर तो आप तभी हल कर सकते हैं जब आप बेसिक को समझते हैं और बेसिक को समझने के लिए उसे पूरी तरह से एकाग्रता से समझना पड़ता है समझेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर जरूर कर देना क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए पूरा कॉम्बो बिल्कुल फ्री में ऑफ़र यानी कॉम्बो भी है और फ्री में भी है सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल यानी जी आर वी मैथ्स पर लगेगी और जी आर वी मैथ्स के लिए और भी जो है हम आपको ऑफर देंगे जो कि डेली के प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस सेट्स यानी क्वीज आपको हमारी वेबसाइट जे एन वी मैथ्स डॉट कॉम पर मिलेंगे जो कि सभी अलग अलग स्कीमों के होंगे जिसमें जे एम एस टी बुनियाद और, और अदर जितनी भी स्कीम हैं एन डी एस सी वगैरह कुछ भी हो हर स्कीम के लिए हम लेकर आ रहे हैं पूरे के पूरे क्विजेज़ जो कि आपको हर रोज़ शाम को आपके स्कूल की छुट्टी होने के बाद मिल जाएंगे, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे उन क्विजेस से क्या होता है इस बेसिक से क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे बेसिक हर चीज़ का एक नीम होता है और जिसका बेस मजबूत है ना यानी अगर वो ये इसको हम अर्थ मान लेते हैं और वो अर्थ की इसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझ गया ना तो वो अर्थ की हर चीज़ को समझ लेगा यानी पृथ्वी की अगर कोई स्ट्रक्चर को समझ लेता है कि हाँ ऐसे करके ग्राफ बनते हैं जिसको ग्राफ का नॉलेज होता है ना वो हर चीज़ का नक्शा देखकर बता देता है ये इस चीज़ का नक्शा क्योंकि उसको ग्राफ का नॉलेज है तो सेम एज ये जो है ना रेशनल नंबर के नेचुरल नंबर्स ऑल नंबर इंटीजर्स इवन नंबर ओल्ड नंबर प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स ये सारे इसके बेसिक हैं यानी ग्राफ्स हैं और इस ग्राफ्स को समझने के बाद में इस पृथ्वी के अंदर कोई भी नई चीज़ आती है ना आप तो आप उसे समझने में आसानी कर लेंगे और बहुत ही कम समय में उसे सोल आउट कर सकते हैं कहने का मतलब यही है कि इन बेसिक के जरिए आपके पास कितना भी प्रश्न अटूट बना दिया जाए अचूक बना दिया जाए या निराला बना दिया जाए आप हर प्रश्न को आसानी से कर सकेंगे बिकॉज बिकॉज क्योंकि आपको आता है उसका बेसिक ये होता है बेसिक का कारण इसके बाद होता है सेकेंड ऑप्शन क्विजिज क्यों आपकी लाइफ में क्विजेज़ की अहम भूमिका है आजकल क्विजिज़ बहुत आते हैं क्विजिज़ कह दीजिए या इसे कह दीजिए प्रैक्टिस सेट ये सारी चीज़ों की एक अहम भूमिका है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें समझना जरूरी है देखिए आपने मुझसे बेसिक सीख लिया बेसिक सीखने के बाद में मैंने एक दो क्लासेस लगाई क्योंकि क्लासेस भी तो लगाएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं अच्छा आपने क्लासेज लगा ली उसके बाद में एक नया प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तब बोलोगे भैया सर ने तो मरवा दिया ये प्रश्न तो करवाया ही नहीं बिकॉज क्योंकि मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक जैसा प्रश्न दिया जाना असंगत है यानी प्रश्नों को उतार चढ़ाव रहता है और प्रश्नों को चेंज कर दिया जाता है स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है या तरीके को चेंज कर दिया जाता है और तब आप जब बेसिक कमज़ोर होते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं इसीलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए क्वीज़ेज एंड प्रैक्टिस सेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्वीज़ेज़ हमारी वेबसाइट में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रैक्टिस सेट देंगे जिसमें 2000 से ज़्यादा के प्रश्न होंगे 2000 से ज़्यादा के प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के आंसर आपको ऑप्शनल में दिए जाए गए होंगे यानी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसको सॉल्व कर करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद हम एक बुक भी लॉन्च कर चुके हैं जो बुक आपको मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी उस बुक को भी आप खरीद सकते हैं और उस बुक में सारी चीज़ें आपको मिलेगी बुक में क्या मिलेगा बुक में मिलेगा बेसिक उसके बाद में जो भी प्रश्न होते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चनस होंगे और उन क्वेश्चन के लगभग थर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन होंगे जो सोल्व करवा के बढ़िया तरीके से समझाए होंगे और उसके बाद में थर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए उसमें दिए गए होंगे यानी हमारी बुक में भी प्रैक्टिस सेट होगा और हमारी बुक के अलावा एक बुक और है जो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ओनली ऑन प्रैक्टिस के प्रश्न मिलेंगे तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रेक करने के लिए और यही आइडिया इस्तेमाल करते हैं हर बड़ी इंस्टीट्यूट हर बड़ा कोचिंग सेंटर हर वो इंसान जो इसमें जुड़ा होता है तो इसी के बदौलत आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रेक कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये नहीं है कि आपने दो दिन क्लास लगा ली ठीक है भैया हमारा तो ये चैप्टर हो गया ये आ गया तो हम कर लेंगे ऐसा नहीं होता फिर नहीं होगा फिर बात नहीं बनेगी बात बनाने के लिए पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से ईमानदारी से टाइम देकर उसे पढ़ना पड़ेगा पढ़ेगा बोस बिल्कुल पढ़ेगा पढ़ना पड़ेगा आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रमेय संख्या के कुछ अटपटे सवाल यानी बेसिक को समझेंगे जो कि आप बचपन से करते आए हैं लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं इनके डिफरेंसेस को भूल जाते हैं इनके तौर तरीकों को भूल जाते हैं कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है उन चीज़ों को भूल जाते हैं इसीलिए हम आपके लिए ये बेसिक लेके आए हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं hey. प्राकृतिक संख्याएं आपको नॉर्मली कहते हैं ना कि भैया काउंटिंग बताना तो आप कहां से शुरू करते हैं वन से कोई भी आके बोल देगा ना काउंटिंग सुना भाई तो आप कहोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन इलेवन ट्वेल्व जो हुई है इसे बोलते हैं हमारा नेचुरली तरीका इसे याद करने का एक तरीका बता रहा हूं तो हमारा नेचुरली तो तरीका है ना वो वन से ही स्टार्ट होता है तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना वो होता है वन टू थ्री एंड सो ऑन एंड तक जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक एप्रिवासी तक वो सारे क्या हैं नेचुरल नंबर है जो कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बढ़ते रहते हैं उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी अगला आता है गोल नंबर ये कौन सा होता है ठीक है वो नंबर जो होता है ना उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं अपूर्ण संख्याएं कौन सी होती है किसी भी चीज को अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण संख्या को पूर्ण करने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं और ऐसा ऐड करते हैं जिससे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए जिसे हम बोलते हैं जीरो यानी जीरो चेंज होने के बाद में बड़े बड़े नंबर जो है बन जाते हैं और इसे बोलते हैं ऑल नंबर यानी जी बिल्कुल पूर्ण संख्याएं अब आता है तीसरा तीसरा जो है ना वो क्या है इंटीजर्स इंटीजर्स पूर्णांक इंटीजर्स को क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं मैं हिंदी में लिख देता हूं इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक अब ये पूर्णांक कौन से होते हैं भैया हमने क्या चीज़ कंफर्म करी है अभी हमने एक चीज़ कंफर्म करी है, हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होते हैं वो नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं अब कोई नंबर्स का पार्ट रह गया है तो वो है नेगेटिव नंबर्स क्या है नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ये सारे इंक्लूड हो जाए उसे बोलते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक इंटीजर्स यानी पूर्णांक उसे बोलते हैं जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो ये सारे नंबर्स आ जाए बट एक्चुअल में याद रखना है ये ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है ना तो क्या होता है नेगेटिव होता है और ना ही वो पॉजिटिव होता है यानी जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है ये एक न्यूट्रल नंबर है यानी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कई दोस्तों के साथ एक ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ती है जो कहीं भी काम नहीं आता लेकिन वो दोस्त है तो इसी तरीके से ये वो नंबर है ज़ीरो जिसकी जरूरत तो पड़ती है लेकिन उसको कहें क्या ये समझ में नहीं आता दोस्त कहें या दुश्मन ठीक है तो यही यहाँ पर बात हो गई इंटीजर्स के अंदर यानी जो संख्याएँ माइनस में शुरू होती है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन जितनी भी नंबर्स आएंगे ये होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स लेकिन इस इंटीजर्स के अंदर ये समझना है कि जैसे ऐसे जाते जाएंगे ना ये नंबर्स क्या होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे क्या होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे डियर स्टूडेंट्स नंबर को छोटा समझने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि बताइए भैया सिक्सटी सिक्स छोटा या फिर माइनस सिक्स छोटा तो आप क्या करोगे अरे अरे अरे, अरे माइनस सिक्स छोटा क्योंकि भैया ये तो माइनस ही सिक्स है लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा नंबर्स की कंपेरिटिव में क्योंकि ये ऐसे घटते क्रम में जा रहा है यानी जीरो जो है ना माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्सटी सिक्स माइनस सिक्स इससे बड़ा है यानी इधर वाले सारे पोर्शन से ज़ीरो क्या है बड़ा नंबर है ऑल अभी समझते हैं इवन इवन नंबर्स। नंबर्स यार तो आप हमेशा से ही करते आए हैं और इसका हर स्कूल के अंदर रटाफिकेशन लगा दिया जाता है कि अरे भैया जो नंबर दो से भाग जाता है ना वो क्या होता है इवन नंबर होता है जो दो से भाग जाता है ना वो क्या होता है इवन नंबर होता है ओके मान लेते हैं इवन नंबर होता है कौन सा जो दो चार छ आठ ऐसे डिफाइन किया जाए क्योंकि ये सारे क्या है दो से भाग जाने वाली संख्याएं हैं और इसका अपोजिट आपने हमेशा ही सीखा है कि ओड नंबर जो होता है ना वो होता है जो दो से भाग ना जाए लेकिन सबसे ज्यादा मार आप कहां खाते हो मार वो नहीं जो स्कूल में खाते हो मार वो जो आप गलती कर बैठते हो वो है अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के अंदर आप सबसे ज्यादा मार खाते हो इसका कारण यह है क्योंकि आप अभाज्य संख्या को समझ लेते हो भैया विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या समझ लेते हो ओड नंबर जब भी आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं कौन कौन सी संख्याएं होती है हैं, तो आप शुरू करते हो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन बट एक्चुअल में ये नहीं होती क्यों क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से भाग जाए या जाए वो एक से भाग या तो वो खुद से भाग जाए या जाए वो एक से भाग फॉर एग्जाम्पल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं टू से कहां से होते हैं टू से अब बोलोगे सर वन क्यों नहीं किया वन ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है ओके okay? इसके बाद आता Three दो है थ्री थ्री जो है टू है वो या तो खुद से भाग जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं वन से भाग जा रहे, जा रहे हैं इसके बाद आता है फाइव इसके बाद सेवन इसके बाद अब नाइन नहीं आएगा क्योंकि नाइन खुद से भी भाग जाता है वन से भी भाग जाता है और थ्री से भी भाग जाता है तो यानी वो तीन नंबर से भाग जा रहा है दैट मीन्स वो नहीं है प्राइम नंबर इसके बाद में आ जाता है इलेवन और ऐसे ऐसे ये चलती जाएगी गाड़ी ओके मेरे कहने का भाव आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के बेस पे प्रश्न आ जाता है आपके नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में बट एक्चुअली आपको ध्यान देने की जो बात की जरूरत है वो है कि क्या अभाज्य संख्या आपको याद है कौन सी है और इसे याद करने के लिए आपको प्राइम डिवीजन को समझना होगा इवन और ओड को समझना होगा ओके अब आते हैं अगले बात पे। एक ऐसे संख्या बताइए जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है ठीक है तो सम संख्या दो है एक ऐसा नंबर है एकमात्र एक मात्रे के ऐसा नंबर है जो सम संख्या में है और उसके बाद भी वो क्या है अभाज्य संख्या है एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम होने के बाद भी अभाज्य संख्या है उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो अभाज्य संख्या में सम संख्या हो ठीक है ये अंतिम और अंतिम नंबर है और इसके बाद और कोई भी नंबर नहीं है ठीक है कंपोजिट नंबर इसमें स्पेस दे दिया क्या मैंने ओके कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर को बोलेंगे भाज्य संख्याएं कौन से बोलेंगे भाज्य संख्याएं हमने अभाज्य कर लिया भाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे अब भाज्य संख्या मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि दो जो नंबर है यानी नंबर टू 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 एंड टू यानी दो ये जो है ना ये क्या नहीं है ना अभाज्य है ना नहीं वो मैंने किसी और के लिए बोला था वो बोला था इसके लिए ये ना तो सम है और सॉरी वन जो है ना ना तो भाजे है ना अभाज्य मैं बोल रहा हूँ दो की बात और दो क्या है अभाज्य संख्या है तो भाज्य क्यों नहीं है क्योंकि ये खुद से या फिर एक से ही भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या कौन सी होगी स्टार्टिंग स्टार्ट फ्रॉम फोर क्यों क्योंकि वन अभाज्य है ना भाज्य है टू अभाज्य संख्या थ्री अभाज्य संख्या तो आगे आ गया फोर और फोर के बाद में क्या आएगा सिक्स इसके बाद सेवन नहीं है एट अब ये इसके बाद नाइन भी आएगा ठीक है क्या आएगा नाइन भी आएगा क्योंकि भाज्य संख्या के अंदर इवन एंड ओड दोनों नंबर्स होते हैं भाज्य संख्या के अंदर इवन एंड ओड दोनों नंबर्स होते हैं वाई क्यों होते हैं क्योंकि ये भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो या तो खुद से भाग जाए या वो एक से भाग जाए या वो किसी थर्ड नंबर से और भाग जाए उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हम समझ चुके हैं क्योंकि चार जो है ना फोर नंबर जो है ना वो भाग जा रहा है किससे जा रहा है वन से जा रहा है किससे जा रहा है टू से जा रहा है किससे जा रहा है फोर से जा रहा है यानी थ्री नंबर से भाग जा रहा है यानी मोर देन थ्री या थ्री अगर किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहा है भाग कर रहा है दैट मीन्स वो कौन से नंबर हैं कंपोजिट नंबर हैं भाज्य संख्याएँ तो इस बात से कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि भाज्य को आप थोड़ा सा सम संख्या मान लेते हैं इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना भाज्य संख्या वो होती है जो अपने साथ एक के साथ या किसी थर्ड नंबर के साथ जो भाग जाए उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी अभी हम अगले स्टेप की ओर जाते हैं जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर और इसी नंबर से हमारा इसी नाम से हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर कौन से होते हैं रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और जहां क्यू जो है ना वो जीरो ना हो ये बातें आपने स्कूल में सुन ली होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करके इसे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे चलिए समझते हैं कि कैसे इस रेशनल नंबर को समझेंगे स्कूल में बोलते हैं कि जो संख्या पी बटा क्यू फॉर्म में लिखी जाती है ना वो होती है रेशनल नंबर ओके और उसमें क्यों नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए भैया जीरो नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए ओके okay. हम इस बात से भी एग्री करते हैं बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन क्यों ज़ीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी संख्या के बटा के अंदर या भाग के अंदर जीरो आ जाता है तो उसे बोलते हैं अपरिभाषित उसे बोलते हैं अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी जिसकी कोई परिभाषा ही ना है उसको हम कैसे भैया मान लें रेशनल नंबर ओके ये इसका आंसर है सेकेंड पे बटा क्यों में ये भी आ जाता है वन टू थ्री ये भी आ जाता है थ्री अपॉन सेवन, टू अपॉन सेवन, क्यों आ जाता है क्योंकि वन ये वन नंबर नहीं है इसे वन अपॉन वन लिखा जा सकता है टू अपॉन टू लिखा जा सकता थ्री अपोन वन लिखा जा सकता सॉरी टू अपॉन वन ओके तो इस जिस भी संख्या के हर की कोई मात्रा ना दी हो उसकी हर की मात्रा एक होती है या भी उसे बटा में मान सकते हैं उसे हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कई बार क्या है आपके पास सवाल आ जाता है पाई का एग्जाम्पल आ जाता है इन्फिनी का आ जाता है ठीक है वन का आ जाता है रूट फाइव का आ जाता है तब आप क्या करोगे आपको पता होता है रूट फाइव ये तो पता होता है वन को फिर इसमें कह दोगे कि यार ये तो प्रश्न ही गलत है नहीं इसको बोलते हैं वन बाई वन यानी ये एक रेशनल नंबर है तो ये है रेशनल नंबर की डेफिनेशन जिसे हम बटा के फॉर्म में लिख सकें तरीका याद करने का अच्छा बनाना होगा इसीलिए कहता हूं कि हमारी बुक जो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से लॉन्च की है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है हमारे यूट्यूब पर भी उसकी लिंक है हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम हर चैनल पर उसकी लिंक मिल जाएगी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को बुक को ख़रीदिए परचेज़ करिए बहुत ही सस्ते दाम में बेच रहे हैं भैया इतनी सस्ती बुक आपने कहीं नहीं देखी होगी ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज़ की वो बुक है उस बुक को परचेज़ कीजिए कम से कम 300 सौ साढ़े तीन पेज की वो बुक है और उसमें पूरे अच्छे तरीके से हर चैप्टर को डिफाइन किया गया समझाया गया ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रेक हो सके नेक्स्ट पार्ट रहता है इरेशनल नंबर इसका इस इस क्लास का लास्ट पार्ट है इसके बाद में हम क्या करेंगे वो इसको समझाने के बाद समझेंगे ठीक है इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भैया इरेशनल समझना तो पड़ेगा ठीक है इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके हम डिफाइन नहीं कर सकते अब आ जाते हैं भैया है डिफाइन का मतलब आपने अपनी कक्षाओं के अंदर सातवीं या आठवीं कक्षा के अंदर एक दशमलव प्रसार को समझा होगा शांत और अशांत दशमलव प्रसार शांत और अशांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार।, प्रसार वो होता था जिसे हम भाग करने के बाद में वो कंप्लीटली भाग चला जाता था चाहे वो छः या सात नंबर पर डिवाइड होने के बाद कंप्लीट होता था और अशांत दशमलव प्रसार हम उसे बोलते थे जो कि पूरा का पूरा सोल नहीं होता जैसे कि वन अपॉइंट थ्री इसे लिखते थे हम जीरो पॉइंट थ्री 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 और ये ऐसे चलता जाता था ऐसे दशमलव प्रसार को हम ऐसे डिनोट करते थे ऊपर बार लगा दिए देते थे कि इसका मतलब ये थ्री चलता जाएगा भैया ये थ्री चलता जाएगा इसका मतलब क्या है ये अशांत है और ऐसे दशमलव प्रसार वाले नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल रूट टू जिसकी वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता रूट थ्री वैल्यू को फाइंड नहीं आ, किया जा सकता रूट फाइव ये सौ जो क्वेश्चन है ना वो क्या है ये दशमलव इनके पॉइंट्स में चलते जाएंगे और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे विभाजकता की जांच यानी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी डिविजिबिलिटी को हम कैसे समझेंगे यानी उसमें क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जैसे दो से भाग जाने वाली तीन से चार से पाँच से आठ से पंद्रह से हम कम से कम ग्यारह या बारह या तेरह ओके फाइनल कर लेते हैं तेरह नंबर तक हम डिविजिबिलिटी की जांच करेंगे और कैसे हम आसानी से किसी भी संख्या को देखते ही एक झटके में जेठालाल कहता है ना तारक मेहता उल्टा में वो कहता कर देंगे कर देंगे यानी झटके से एक देखते ही सवाल को कुछ सेकेंडों में हल करने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे डिविजिबिलिटी के सवालों को हल कर सकते हैं तीन दिन आपकी क्लास चलेगी जिसमें सॉरी इस चैप्टर की तीन दिन क्लास चलेगी फर्स्ट पार्ट में आपने ये समझा है कि इसका बेसिक क्या है सेकंड पार्ट में आप डिविजिबिलिटी को समझेंगे और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे और थर्ड क्लास में आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जी के द्वारा और वो प्रैक्टिस सेट में होता है दस दस प्रश्न पंद्रह पंद्रह प्रश्न रोज़ के जो कि हमारी वेबसाइट में मिलेंगे आपको वेबसाइट को ओपन करके आप देख सकते हैं कैसे आएगा और वो हम दिखा भी देंगे ठीक है आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत